स्वागत करती हूँ आपका जीएन भारत में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के समक्ष, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा के सीएम का यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है। कांग्रेस वासियों ने यहाँ पे पुतला दहन किया। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कारण है आज यहाँ पे आपने पुतला दहन किया है, क्या कुछ बात है। आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से कि आदरणीय हम लोग के अजय जी के ऊपर जो त्रिपुरा में जो हुआ हादसा, बीजेपी के गुंडों के द्वारा एक ऐसे इंसान को जो स्वभाव को कभी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं बल्कि सबको ले कर चलने वाले व्यक्ति के ऊपर पत्थरबाजी किया भाजपा के गुंडों द्वारा, उसी के हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक सम्मानित व्यक्ति के साथ इस तरह हो रहा है तो आम जनता का क्या होता होगा। आज मैं कहना चाहता हूँ त्रिपुरा के तमाम मुख्यमंत्री के तमाम समिति को कि इस तरह का कार्य आप बंद करिए। और एक जो अजय जो पूर्व सांसद है उनके साथ इस तरह दुर्व्यवहार किया गया, पत्थर से मारा गया, आप जाने का समय आ गया है, आपका समय सीमा खत्म हो रहा है, तो आप अपने गुंडों को आगे लाकर और यहाँ के सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, क्या लगता है कि गंगा जमुना जो तहजीब है उसे खत्म किया जा रहा है अब? अभी जो स्थिति है 2014 के बाद जो बनी है, लगातार गंगा जमुना तहजीब के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष पे देख लीजिए, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी उसी गंगा जमुना तहजीब को जोड़ने के लिए अपनी पैदल यात्रा शुरू की जो कि कश्मीर में ख़त्म होगी। और हम नौजवानों को उम्मीद है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को अक्षुण रखने के लिए राहुल गांधी जी 2024 में आ रहे हैं। पूरा युवा उनके साथ है और पूरा भारतवर्ष भी उनके साथ है। पूरा विश्व एक ऐसे नेता को देख रहा है जिसको, जिस जमी को अपने लंबा होने पर गर्व था उसको अकेले राहुल गांधी जी ने नाप दिया, और हम लोगों को उन पर गर्व है। और आने वाला समय में गंगा जमुना तहजीब को हम लोग बरकरार रखेंगे। समाज पे हम लोग एक दूसरे के परस्पर जो निभते आए हैं आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी, उसको हम लोग कायम रखेंगे। क्या लगता है बीजेपी के सरकार में रहने के बावजूद भी, जब इसकी सरकार है उसके बाद भी ऐसा रवैया जो है अपनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक तरफ नफरत का माहौल जो है देखी जा रही है, क्या कुछ कहेंगे सरकार को, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा के भीड़ देखकर मोदी जी काफ़ी डर गए हैं और उनको डर, उनको सत्ता उनका जा रहा है, वो अच्छी तरह समझ गए कि 2024 में हम वापसी नहीं करेंगे। वो तमाम तरह के हथकंडे अपनाएंगे आने वाले समय में। अभी मंदिर मस्जिद का खेला चालू नहीं हुआ है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा आपको देखने को मिलेगा वो मंदिर मस्जिद का, मंदिर में कुछ फेंका जाएगा, मस्जिद में कुछ फेंका जाएगा, ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। गंगा जमुनी तहजीब पर कहाँ सरकार काम कर रहा है? मोदी सरकार का एजेंडा साफ है, वो नफरत फैलाना है। नफरत फैलाएंगे तभी वो राज कर पाएंगे। नफरत देश में नहीं रहेगा तो राज ही नहीं कर पाएंगे। मोदी जी नफरत जितना फैलाएंगे उतना ही देर लगी। अब जनता समझ चुकी है अब उनकी झांसे में नहीं आने वाली है। महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से जनता त्रस्त रहा है, महिलाएं में दिल्ली की घटना आप देख लीजिए, वहाँ केंद्र शासित राज्य है, कहीं भी महिला सुरक्षित नहीं है, तो एक केंद्र सरकार का भारी विफलता है। और मोदी जी को जनता समझ चुकी है, केवल ये केवल बोलते हैं, बड़े बड़े डींगे हाँक नहीं होते हैं। आज देश का GDP देख लीजिए, देश का इकोनॉमी देख लीजिए, आपका GDP लगभग इस वक्त के अनुसार 4.5% है। जब तक 11 से 12% GDP नहीं आएगा आप देश के हर युवा को रोजगार नहीं दे सकते। तो मोदी जी को इस सबसे कोई मतलब, देश का अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, देश का इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है। उनको बस धर्म का नफरत फैलाना है, केवल हिंदू मुस्लिम बोलना है, जय श्री राम बोलना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन गुंडेगर्दी की बात नहीं। श्री राम, मेरा नाम रामदेव सिंह हुआ। तो जैसा कि आपने सुना कि गंगा जमुना तहजीब को जिस तरह से भंग किया जा रहा है उसे लेकर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नज़र आ रहे हैं, और उनका कहना है कि सरकार इस पे काफ़ी गौर फरमाए और इस तरह की गंगा जमुना तहजीब को भंग ना किया जाए। इसी तरह के ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे जीएन भारत के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा खान। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।